नमस्कार मित्रों, तो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि मादा एक पादप के लिए माध्यम का कार्य करती है। तो माध्यम का कार्य करती है तो उसमें लगभग हम चार विशेषताओं पर फोकस कर रहे थे, जिसमें से एक विशेषता के बारे में कि मादा पौधे के लिए क्या करती है, पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, क्या था? पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। पोषक तत्व भी बता दी थी, कहने का मतलब कुछ तत्व होते हैं जो पादप को मृदा के द्वारा प्राप्त होते हैं, और कुछ तत्व जैसे आपके वायु जल के द्वारा प्राप्त होते हैं, और कुछ मृदा और वायु के द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे कौन सा तत्व था जो पौधे को मृदा और वायु के द्वारा प्राप्त होता है, बताओ इसमें। तो आपका जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन पौधे को किस रूप में प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, मृदा और वायु से प्राप्त होता है। ठीक है, मृदा और वायु से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात है, कहने का मतलब ये था कि जो आगे इसके अलावा जैसे आपका CHO, ये किस किस से प्राप्त होते हैं, CHO प्राप्त होते हैं आपके पानी, और हम बात करते हैं वायु से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो बिंदु पढ़ रहे थे हम, दूसरा बिंदु था हमारा, दूसरी विशेषता थी, दूसरी विशेषता क्या थी, हमारे देश के नौजवानों और भारतीय आप वासी सभी मजे में होंगे और मजे को आराम से हो रहे पढ़ो, टेंशन लेने की बात नहीं किसी को। तो दूसरा बिंदु था कि जल प्रदान करना, जल प्रदान करना। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या था आपका, जल प्रदान करना। तो जब आप फसल कार्य करते हैं या खेती कार्य करते हैं तो आप पानी कहां पर डालते हैं, तो कहेंगे कि हम पानी कहां पर डालेंगे, कुछ तो बोलेंगे लोग, बात कहने का मतलब कि हम ऊपर डालते हैं। अरे आप ऊपर डालो, कहीं पर भी डालो, कहां पर जाएगा वो, मिट्टी में जाता है। ठीक है, तो मिट्टी के द्वारा क्या होता है, पौधे को क्या होता है, पानी प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तो और देखो इसी बात में कि अब ये पानी क्या कार्य करता है, पौधे के लिए पानी क्या क्या कार्य करता है। तो पहली बात हम कहते हैं कि जो आपका पानी होता है, पानी का सूत्र क्या होता है, आपको वाटर का सूत्र क्या होता है, जैसे पानी पूछे आपसे, बर्फ पूछे, जैसे आपकी जलवाष्प पूछे, जैसे आपको द्रव अवस्था में कोई भी पूछे तो क्या आएगा आपका, जो भी पूछेगा इसमें क्या आएगा आपका, H2। क्या होता है इसका, H2। ये क्या होता है इसका, सूत्र होता है। तो पानी पौधे के लिए एक विलायक का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, विलायक का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विलायक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप, या आपको खेत है, ठीक है, और इस खेत में आपने जैसे मान लीजिए कोई भी आपका यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है, और ये पौधे के हैं आपकी जड़े, आपने यहाँ पर क्या डाल दिया, यूरिया, क्या डाल दिया आपने, यूरिया डाल दिया। ठीक है, अब जब आपने यहाँ पर यूरिया डाला तो यूरिया डालने के बाद में क्या आपको पानी डालने की आवश्यकता होती है, नहीं होती है, होती है ना पानी डालने की आवश्यकता, अगर आप पानी नहीं डालते। ठीक है, अगर आपने जो किसान परिवार से संबंधित विद्यार्थी हैं, आप देखना अच्छी तरह कि जब पानी डालते हैं तो यूरिया का या विघटने यूरिया पिघलता नहीं है, अगर हम बात करते हैं यूरिया का अपघटन नहीं होता है, यूरिया जो वायु होते हैं इस कणों में रहते हैं, तो इस यूरिया को घोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर क्या होगा कि यूरिया को क्या करेगा, पानी घोलेगा और एक विलायक के रूप में कर देगा। अब ये विलायक क्या करेगा, इससे जड़ों के रूप में प्रकार चारों तरफ एक माध्यम के रूप में रहेगा। आई बात समझ में? ये कहलाएगा आपका विलायक कहलाएगा, इसमें यहाँ पर आपकी जड़ है, ठीक है, और आपकी परत से मिट्टी है, तो ये कहलाएगा आपका विलायक कहलाएगा। और कोई दिक्कत इसमें? विलायक बनाने का कार्य कौन कर रहा है इसमें, इसमें कौन मिले हैं, इसको अगर विलायक की बात करते हैं तो कौन मिले इसमें, इसमें कहलाएगा आपका कि ये किसी को घोलने का कार्य करता है, इसमें कहलाएगा आपका विलायक रूप में इसमें यूरिया गुला हुआ है। क्या गुला हुआ है इसमें, यूरिया गुला हुआ है, जो पौधे को एक बार करते हैं विलायक के रूप में, विलायक के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। घोलने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे, पानी कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें?
दूसरी बात देखिए यहाँ पर कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? प्रकाश क्रिया दिन में होती है, रात में होती है, बताओ। तो देश की नौजवान कहेंगे दिन के समय होती है, ठीक है। परंतु आप स्पेशल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं तो आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। आई बात समझ? जैसे आप कहेंगे कि सर दिन के समय होती है, तो मान लीजिए कि दिन के समय आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, क्योंकि वहां पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। आई बात समझ? इस बात का ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी का क्या होना चाहिए? जैसे मान लीजिए साधारण जो आर्ट्स लेवल के विद्यार्थी रहेंगे, ठीक है, वो तो क्या आंसर देंगे इसका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय होती है, ठीक है। आप कहना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश के समय होती है। इन कहने का मतलब रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है यदि प्रकाश है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या होता है? जल आवश्यक होता है। क्या होता है? जल आवश्यक होता है, H2O आवश्यक है। आई बात समझ में? जल आवश्यक है, जो भी आप सबसे ठीक है कि अगर जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पादप के लिए भोजन निर्माण नहीं होगा। आई बात समझ में? भोजन निर्माण नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भोजन का निर्माण होगा नहीं होगा तो पादप की वृद्धि कैसे होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भोजन निर्माण के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कितनी दो बातें आ गई। अब तीसरी बात देखते हैं आगे कि अगर मान लीजिए पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाती है, अगर मान लीजिए मनुष्य के अंदर पानी की कमी हो जाए, क्या होता है? डायरिया ध्वस्त हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं। कहने का मतलब कभी भी आप सर्दी फिरते रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर पौधे के अंदर पानी की कमी, ठीक है, तो क्या होगा? एक घटना और घटेगी, वो कौन सी? यहां पर कि जो आपका कोशिका विभाजन है, जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी है, और कोशिकाओं के आकार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कोशिकाओं का विस्तार नहीं होगा। यही बात सही है। कितने बिंदु यहां पर? यदि पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो कोशिका विभाजन की क्रिया क्या होती है? प्रभावित होती है, कोशिकाओं का आकार कम हो जाएगा, और हम बात करते हैं कोशिका का विस्तार नहीं होगा। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या आ रही है इसमें? ठीक है। और यहां पर वो लिखेंगे कि पानी क्या करता है? पोषक तत्व को घोलने का काम करता है, जो हमने पहले बता दिया। तो हम क्या लिखेंगे इस बिंदु में कि जब मिट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो ये पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है? आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और पोषक तत्व को घोलने का काम करता है, तथा कोशिकाओं को विस्तार, कोशिका नियंत्रण को क्या करता है? कोशिका विभाजन क्या करता है? नियंत्रण करने का कार्य करता है। नहीं बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखें कि आपने देखा होगा कि जहां पर पानी की मात्रा अधिक होती है, जहां पर यानी जिस फसल में पानी की मात्रा अधिक होती है, उसमें एक क्रिया आपकी वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? आगे बढ़ती है। कहने का मतलब क्रिया होती है, अभी क्रिया क्या होती है कि पौधे द्वारा पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, क्या कहलाएगा? आपका वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जब आप दिन के समय, विशेषकर सर्दियों में देखना,
दिन के समय या आप कभी गर्मियों में देख सकते हैं, पौधे की जो पत्तियां होती है उसके अंतिम छोर पर कुछ पानी की बूंदे होती है, ठीक है। तो पानी कहां से आया, वो पानी आपकी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा आता है, ठीक है। तो इस वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में क्या होगा कि अगर पानी अधिक होगा तो पानी के साथ में क्या होते हैं, कुछ हानिकारक जो पौधे के अंदर पदार्थ बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी डालते हैं तो उसमें हानिकारक पदार्थ आसानी से निकल जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? दो बिंदु कंप्लीट हो गए। पहला कौन सा था हमारा इसमें? पहला पोषक तत्व था, दूसरा आपका जल का था। तीसरी की बात कर दे, देखो इसमें तीसरा बिंदु ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति या ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पौधे श्वसन करते हैं, क्या पौधे श्वसन करते हैं, करते हुए बताइए कि श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, बताओ आंसर दो आराम से। आप क्वेश्चन है फिर रिपीट करो, क्या पौधे श्वसन करते हैं और श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखिए पौधे जब श्वसन क्रिया करते हैं, हाँ जी, और एक क्वेश्चन फिर आप तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं कि श्वसन क्रिया कब होती है, श्वसन क्रिया कब होती है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि सर श्वसन क्रिया दिन के समय होती है? नहीं देश के नौजवानों, श्वसन क्रिया पौधे के अंदर दिन और रात चलती है, दिन और रात चलती है। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि यदि क्या होती है, दिन रात चलती है। पहले आंसर रहेगा कौन सी गैस लेते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड यदि क्या करते हैं, लेने का कार्य करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और देने का कार्य क्या करते हैं, इसमें करेंगे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देने का क्या करते हैं, काम करते हैं। या ध्यान रखना ये कॉम्पिटिशन लेवल का भी क्वेश्चन है, आपकी जेट में क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूज करता है। आप याद रखना सभी सजीव, कुछ हम जीवाणु की बात छोड़ कर सकते हैं जो आपके एक्यूनिकी होती है, एक्यूनिकी आपकी बात निकल रहे, पर सभी सजीव नोट लगा के लिख लो, आप नोट लिख रहे हैं तो आपने सभी सजीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सभी सजीव श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, देने का काम करते हैं। अब कुछ विद्यार्थी घबरा रहे हैं कि सर आपने तो गलत बता दिया। तो आपको जो गलत बता रहे हैं उसका समाधान ये होता है, आप सोच रहे होंगे कि पौधे श्वसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, देश के नौजवानों पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, कौन सी क्रिया में, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस देने का काम करते हैं, ऑक्सीजन गैस देने का काम करते हैं। इस बात को आप नोट लगा के लिखना, ठीक है।
क्योंकि ये क्वेश्चन होता है अधिकतर विद्यार्थियों का गलती होता है, क्योंकि उनको पता है कि मानव जब श्वसन में ऑक्सीजन गेज रहता है तो पौधे की उंगली नहीं। देश के नौजवानों, सभी जीव जंतु जो सजीव हैं वो श्वसन में कौन सी गेज देते हैं, वो श्वसन में आपकी ऑक्सीजन गेज देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम करते हैं। परंतु जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में पाई जाती है, कुछ जीवाणु में पाई जाती है। उसकी हम ये बात कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो प्रकाश के समय होती है वो किसमें हो जाएगी आपकी, हाँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं और ऑक्सीजन गेज देने का काम करते हैं। इस बात को आप नोट लगा के लिखिए। तो अब देखिए कि पौधे की जब पौधे में श्वसन क्रिया होगी तो उसके बाद में क्या होगा, इसकी भोजन का विखंडन होगा और कहने का मतलब उसमें पौधे क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पौधे को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी, पौधे को ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त होती है। तो वायुमंडल से प्राप्त होती है, परंतु इससे बताइए आप कि हम बात करें यहाँ पे मर्दा की बात करें कि अगर मर्दा में क्या पौधे के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है या नहीं है। अगर हम बात करें कि मर्दा के अंदर पौधे की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है या नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आवश्यक है। क्योंकि कि जब जड़ें वृद्धि करती हैं, जब जड़ें वृद्धि करती हैं तो कहने का मतलब वो भी क्या करती है, श्वसन करती है। अब श्वसन करती है तो उसे भी श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर मर्दा में ऑक्सीजन होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए आप जो आपकी मर्दा होती है, इस मर्दा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग हम बात करते हैं 20.3% कितनी होती है, 20.3% होती है। और जबकि नाइट्रोजन की मात्रा होती है 79.01% होती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग बात करते हैं 0.3% होती है। आई बात समझ में, जो आपकी मर्दा है उस मर्दा में अगर वायु का संघटन देखें तो लगभग 20.3% क्या होती है आपकी, ऑक्सीजन होती है। और लगभग 79.01% क्या होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 0.3% होती है, 0.3%। ठीक है, अब ध्यान रखना जो ये वाला बिंदु है ये मोस्ट है, ध्यान रखना इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे मोस्ट है कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन इस प्रकार है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, वहां पर आपका आंसर आएगा, वहां पर आपका 0.03% कितनी आएगी, 0.03%। परंतु अगर हम बात करें कि मर्दा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। ठीक है, क्वेश्चन आपके एपिसोड में आ सकता है। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इस प्रकार देखेंगे इस प्रकार की कितनी होती है परंपरावादी की, 0.3 कर देंगे आपका 0.3% कर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अगर वायुमंडल में पूछ रहे तो कितना आएगा आपका आंसर, 0.03% आएगा। ठीक है, अगर किसी पूछ रहा आपको कि मर्दा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलाई आपकी, 0.3% पाई जाती है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, तो हम लिखेंगे इसके बारे में कि पादप में जब वृद्धि करते हैं पादप की जड़ों की वृद्धि के लिए क्या होती है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कितनी होती है उसके अंदर बात करें आपके कार्बन कितनी होती है, इसमें 20.3% क्या होती है, इसमें आपकी O2 होती है। और 79.01% क्या होती है आपकी, N2 होती है। और CO2 कितनी आपकी, 0.3% होती है, जो पादप की जड़ों की वृद्धि क्या होती है, आवश्यक होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो पादप की वृद्धि क्या होगी, अच्छी होगी। कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, कोई समस्या, कितने बिंदु हो गए हमारे, 3 बिंदु हो गए। आगे देखो इसी बात में चौथा बिंदु क्या था, यांत्रिक आधार। ले भाई चौथा बिंदु देखो यहां पर यांत्रिक आधार मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, अगर गांव गांव में सुना होगा कि किसी के सपोर्ट लगाते हैं, सपोर्ट का मतलब ये कह रहा है
कि आप पे कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर जैसे आपका जैसे आप सदर कर रहे हैं ठीक है, तो इस बीच में क्या लगाते हैं आप सपोर्ट लगाते हैं। इसी प्रकार से आपके जो कुकर्मिटेशी कुल के उत्पादक होते हैं उनकी अगर मान लीजिए उनको वर्दी या ऊपर लड़ने के लिए क्या करते हैं कुछ सारा लगाते हैं, उसके कहते हैं हम सपोर्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि मृदा पादप के लिए एक यांत्रिक आधार प्रदान करने का क्या करती है कार्य करती है। यदि आपकी मृदा आदर्श है, कैसी है आदर्श, आई बात समझ। यदि आपकी मृदा कैसी है आदर्श है ठीक है, तो क्या करेंगे आपने यदि आदर्श है तो कहने का मतलब इसकी रासायनिक और भौतिक संरचना क्या है समान है। यदि भौतिक संरचना रासायनिक और भौतिक संरचना समान है तो पादप की जैसे होगी यहाँ पर जड़ों की वृद्धि क्या होगी इस प्रकार आसानी से होगी। आई बात सुनिए, पादप की जड़ों की वृद्धि क्या होगी इस प्रकार आसानी से होगी। कब होगी, यदि मृदा आदर्श है, यानी कहने का मतलब इसमें रासायनिक और भौतिक क्या है सुधार अच्छी प्रकार से, इसमें जड़ों की वृद्धि क्या होगी अधिक होगी। यदि आदर्श है तो वो क्या करेगी आपकी पवन दृढ़ होगी, जो आपकी पवन की झोंके चलते हैं, पवन क्या चलते हैं आपकी दृढ़ जो पवन की झोंके रखते हैं इस प्रकार, जैसे कभी बार आंधी चलती है तो आपने देखा होगा कि आंधी चलते समय कुछ पौधे उखड़ जाते हैं ठीक है, तो उसका कारण क्या होगा क्योंकि वहां की जो मृदा है वो आदर्श नहीं है, वो पौधे को यांत्रिक आधार कम दे रही है ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कितनी तेज आंधी चले आप ठीक है, कितनी तेज आंधी चलो वो नीचे से नहीं पड़ते, इसका कारण क्या है क्योंकि वहां कैसी मृदा आपकी आदर्श मृदा है। आदर्श मृदा क्या करती है पौधे को लंबे समय तक बात करती है अच्छी प्रकार से यांत्रिक आधार, यानी कहने का मतलब यह है जैसे आपकी ये मृदा है ठीक है, अगर इस मृदा की नीचे की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि अगर अच्छी है तो इस प्रकार पादप की जड़ इस प्रकार रहेगी, इसमें इस प्रकार मजबूती से रहेगी ठीक है। जैसे आप कितनी ही आंधी चलो कितने ही जोर चलो तो पादप नहीं उखड़ेगा ठीक है, इस प्रकार मजबूती क्या होता है यांत्रिक आधार प्रदान होता है, यानी पवन दृढ़ को सहन सकते हैं। दूसरी बात देखिए आप कि अगर मान लीजिए कि आदर्श मृदा होगी तो जलाभाव किसको कहते हैं जलाभाव को सेंस कर सकते हैं पादप। अगर मृदा अगर भौतिक को रासायनिक संरचना समान है जलाभाव तो जल की कमी को लंबे समय तक सहन कर सकते हैं, कब जब आपकी मृदा कैसी है आदर्श है उसके भौतिक को रासायनिक सुधार अच्छा है ठीक है। अब यदि देखें कि अगर मृदा की अगर यहां पर देखें मृदा में पानी की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा मान लीजिए अधिक है, पानी की मात्रा क्या है अधिक है ठीक है या कम है, ये क्या है कम है, और यह यहाँ पे देखिए अउर्वरक है, कैसी आपकी अउर्वरक है, इन कहने का उर्वरक की मात्रा कम है ठीक है। तो कहने का मैं कहूंगा कि ये मृदा आपकी आदर्श नहीं, अगर पानी की मात्रा अधिक होगी तो भी यांत्रिक आधार कम मिलेगा। देखिए समुद्र तट के आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कभी कभार आंधी चलती है पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, क्यों उखड़ जाते हैं क्योंकि उनका यांत्रिक आधार कमजोर है क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। रेगिस्तान में लंबे पौधे क्यों नहीं पाए जाते, रेगिस्तान में लंबे पौधे क्यों नहीं पाए जाते क्योंकि लंबे पौधे को स्थिर करने के लिए अधिक यांत्रिक आधार की आवश्यकता होती है, तो वहां की मिट्टी में क्या होती है कि पानी की मात्रा कम होती है, अगर पानी की मात्रा कम होगी तो यांत्रिक आधार कम होगा तो वहां पे नहीं पाया जाता ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि उर्वरक की मात्रा कम होगी तो भी आपका यांत्रिक आधार नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखेंगे लास्ट वाले बिंदु में कि मृदा पौधे के लिए यांत्रिक आधार कहने का उसको स्थिर रखने का कार्य करती है। यदि आपकी मृदा आदर्श है उसके भौतिक और रासायनिक गुण अगर मान लीजिए अच्छे हैं तो पौधे को यांत्रिक आधार अच्छा मिलेगा, पौधा पवन दृढ़ और बात करते हैं जलाभाव को सहन सकता है, पौधे की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। इसके विपरीत बात करते हैं कि पानी की अगर बात करते हैं मात्रा अधिक है कम है अउर्वरक है तो यांत्रिक आधार के रहेगा आपका कम रहेगा। कोई दिक्कत आने किसी को इसमें समस्या है तो अब जो भी है उसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे। हाँ तो अतः हम कह सकते हैं लास्ट में लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि मृदा पौधे के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या ठीक है, अब जो भी है आगे हम बात करेंगे उसके बारे में आगे और नेक्स्ट कक्षा में हम देखते हैं।